हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग बाबू, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए तो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब चीज़ ठीक है कि नहीं है? वॉइस सब क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सब चीज़ प्यारे बच्चों एकदम क्लियर है। और आपका क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों स्टार्ट है, और ये क्रैश कोर्स का प्यारे बच्चों क्या है, सातवां डे है। यानी आप देखिए, केमिस्ट्री के 7 चैप्टर खत्म, फिजिक्स के आज 7 चैप्टर का टाटा है। फिज यानी फिजिक्स के भी चार, यहाँ पे आज 7 चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। अगर आप ये वीडियो इसके पहले वाला 6-6 चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो आपको आपको मिलेगा प्लेयर लिस्ट में। जाके आप लोग यूट्यूब चैनल के प्लेयर लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारा का सारा चैप्टर वाइज उसमें डाला गया है। और ये कर लेने से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। पहला तो आपका पूरा क्वेश्चन बैंक, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर वाइज, वो हम आपको बताते हैं। तो पहला तो वो क्लियर होने वाला है। साथ के साथ प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ आप देखिए 80% हम बोलते हैं कि इसमें से क्वेश्चन रहेगा। आपको बनाना कितना है, मात्र 50% ही बनाना है। और क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 80% पूछा जाएगा। मतलब 100% में से, कहने का मतलब कि 80% इसमें से मे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को तुरंत शेयर मार दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये तहलका क्लास ना आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है एकदम नजदीक। और प्यारे बच्चों सभी से निवेदन है कि अगर आप ये PDF वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों आज ऑफर है, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF वाला ग्रुप के लिए आज बहुत ही धमाका ऑफर है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये PDF वाला ग्रुप जितना जल्दी हो सके आज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम तो बिल्कुल ही नहीं बचा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार वीडियो को तुरंत शेयर मारिए, और आज PDF भी मिलेगा फ्री वाला। तो सभी बच्चे फ्री वाला PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, सब बच्चे फ्री वाला PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री वाला PDF कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप लोग से विनती है, यानी कहने का मतलब यह है कि आप लोग पैड वाला ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। पैड ग्रुप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सारा हेल्प होगा, और बहुत सारा आपको PDF उसमें दिया जाता है। अभी से लेके एग्जाम तक आपको PDF दिया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब दिया जाता है पैड ग्रुप में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये सब तो बातें हो गई। चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग, क्या कीजिए, फटाफट से चैनल को जितना जल्दी हो सके आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक करके व्हाट्सअप पैड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगर नॉर्मल व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जुड़ना है तो ये है नंबर मेरा, देखिए 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में, फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको पैड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस पे डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात होगा, और किसी से नहीं, हमसे बात होगा, और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आप हमारे पास कॉल कीजिए, हम आपको आपकी ग्रुप में ऐड करेंगे। तो अगर आप गर्ल हैं तो आपके पास लिंक जाएगा, तो उसमें दबा के आपको ज्वाइन बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू कर देते हैं। तो चलिए एक बार सभी बच्चे यस बोल दीजिए कि हम यहाँ पे क्लास शुरू कर दें। सभी बच्चे एक बार यस बोलेंगे, यस बोल दीजिए, एक बार यस बोलिए और शेयर कर दीजिए। सुबह में 5 बजे एकदम सब्जेक्टिव, यहाँ आप देखिए किसका, तो यहाँ आप देखिए क्रैश कोर्स का अंतिम मौका, जिनका तैयारी नहीं हुआ है ये 45 दिन का, यहाँ आप देखिए 40 दिन का क्रैश कोर्स कर लीजिए, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा। बाबू यहाँ पे बोल रहे हैं 100% कि आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, इतना पढ़ लीजिएगा। तो ये काम आप लोग 100% कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए चैप्टर, यहाँ देखिए डे 7 का मतलब क्या हुआ, चैप्टर आपका 7। डे 7 मतलब क्या, चैप्टर 7 आज हम लोग पढ़ने वाले। तो सभी प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को तुरंत शेयर मार दीजिए, जितने सारे स्टूडेंट है ना जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर मार दीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर, जो 2 से 3 बार, 3 से 4 बार ये आने वाले एग्जाम में है, वही सब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यहाँ। चलिए तो शुरू करते हैं बाबू, शुरू कर देते हैं। यहाँ आप देख लीजिए पहले नंबर प्रश्न से, तो यहाँ देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या पूछा गया, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा स्टार्ट हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट वाला, ये चैप्टर ही है बाबू हमारा क्या, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, चैप्टर का ही नाम है प्रतिवर्ती धारा। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि प्रतिवर्ती धारा आखिर क्या है। तो देखिए प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, तो वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा।
अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान रखिएगा कि वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा क्या होगा, समय के साथ बदलता रहेगा। समय के साथ क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कभी भी क्या होता है, अप डाउन होते रहते हैं। यानी क्या, वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता रहे उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में कि प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। तो आपको उस अवस्था में जवाब देना है बाबू कि प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, तो वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ अगर बदलता रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 100% रहेगा ना याद। तो चलिए यहाँ देखिए, जैसे ग्राफ देख सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है ना, समय के साथ प्यार बच्चों कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। यानी कहने का मतलब क्या, समय के साथ ये बदलता रहता है, ये समय है। समय के साथ कभी यहाँ देखिए, समय के साथ यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये आपका समय है, टाइम है। इसके साथ क्या हो रहा है, बदलते रहता है, अप डाउन होते रहता है। ये किस में आता है, तो ये प्रतिवर्ती धारा के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसी का आता है कि दिष्ट धारा क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि डायरेक्ट करंट यानी नियत धारा किसे कहते हैं। नियत धारा का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट करंट। नियत धारा का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट करंट। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि नियत धारा किसे कहते हैं, वो तो अल्टरनेटिंग करंट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नियत धारा किसे कहते हैं या कांस्टेंट करंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या, एक समान। ये आप लोग जान गए, कांस्टेंट का मतलब क्या, एक समान। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नियत धारा किसे कहा जाता है, नियत धारा आखिर क्या होता है। तो बाबू नियत धारा क्या होता है, तो वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा क्या होता है, समय के साथ नहीं बदलेगा। क्या होगा, जिसका परिणाम और दिशा क्या होगा, समय के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो कांस्टेंट करंट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप देखिए एसी करंट और डीसी करंट में अंतर लिखे, तो आप लिख सकते हैं ना, तो आप लोग प्यारे बच्चे ऐसा लिखिएगा। वो तो है क्वेश्चन, हम आपको कराएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ अगर चेंजेस आ रहे हैं, समय के साथ ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। लेकिन डायरेक्ट करंट या कांस्टेंट करंट किसे कहेंगे, तो वैसा विद्युत धारा जो समय के साथ साथ क्या होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है ना दिशा में ना समय में, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग नियत धारा कहेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, ये टाइमिंग है और ये करंट है, डायरेक्ट सीधा जाएगा, समय के साथ साथ अप डाउन इसमें नहीं मार रहा है। देखिए वहीं आप देख लीजिए, डायरेक्ट करंट की बात करें बाबू यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट करंट में एकदम ये क्या है, जो करंट है वो सीधा जा रहा है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, करंट समय के साथ अप डाउन करते रहता है। तो यहाँ पे आपको यही समझना है, यही इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। तो समझ में आ गया होगा, इतना उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ना बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार, तो ये क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर की खरोट को परतदार क्यों बनाया जाता है। ये बार बार आपके एग्जामों में क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपको 110% क्या होना चाहिए बाबू, याद होना चाहिए। तो चलिए बाबू यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, और ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों बनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे क्रोड, ट्रांसफार्मर देखे होंगे, पतला पतला मुलायम इस्पात से उसको बनाया जाता है परतदार। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है उससे हानि से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाते हैं, क्योंकि उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। तो इसका ऐसे डिफिनेशन लिखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए भंवर धाराओं के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। अब यहाँ आप देखिए इतना लिखिएगा, 2 नंबर का मान लीजिए पूछेगा क्वेश्चन, इतनी सा लिखिएगा तो प्यार बच्चों जो चेक करने वाला होगा उसको भी सस्पिशन होगा, संदेह होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, देखिएगा जैसे जैसे बता रहे हैं आपको याद हो जाएगा, इतना बड़ा है ना, तुरंत याद हो जाएगा, बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए भंवर धाराओं के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे याद रखना है हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाते हैं। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपको कैसे बढ़ाना है, इसी चीज को कैसे लंबा करके लिखना है,
कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी धातु के टुकड़े से संबंधित फ्लक्स में जब परिवर्तित होता है, कोई भी धातु का टुकड़ा अगर फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है, एक धातु के टुकड़े पे पूरे भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी धातु का टुकड़ा अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जो गर्म हो जाती है। प्यारे बच्चों क्या होता है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, देखिए क्वेश्चन है कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी धातु के टुकड़े से संबंधित फ्लक्स अगर परिवर्तन होगा तो धातु के टुकड़े पे क्या होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ये भंवर धाराएं इतनी प्यारे बच्चों प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा क्या होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, और यही गर्मी के कारण क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने लगता है। क्या करता है, भंवर धाराएं जब आएगी तो प्यारे बच्चों क्या करेगा, इतनी ज्यादा भंवर धाराएं प्रबल होती है कि उस धातु के टुकड़े को इतना गर्म कर देती है कि जो आपका विद्युत ऊर्जा होगा ना वो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, विद्युत धारा का ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पे इसी को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को प्रतदार बनाया जाता है, क्योंकि जो एक धातु का टुकड़ा होता है वो क्या होता है, फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तित होता है तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होगा यहाँ पे क्यों गर्म होगा, क्योंकि जब धातु का टुकड़ा फ्लक्स में परिवर्तित होगा तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और ये जो भंवर धाराएं होती है ना इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये वो धातु के टुकड़े को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। जैसे ही गर्म होगा आपका इलेक्ट्रिकल करंट क्या होगा, वो उष्मा में बदलने लगेगा। उसी को रोकने के लिए बाबू ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, एग्जामिनर जरूर आपको नंबर देगा 100%। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको 100% तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ऐसे ही लिखना है कि जब एक धातु का टुकड़ा फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ये भंवर धाराएं इतनी मजबूत होती है कि इस धातु के टुकड़े को इतना गर्म कर देती है प्यारे बच्चों, इस धातु के टुकड़े को, कि क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा होता है, जो विद्युत धारा होती है, वो उष्मा में परिवर्तित होने लगती है। विद्युत जो धारा होती है वो क्या होती है, विद्युत धारा ना बनके वो उष्मा में उत्सर्जित होने लगती है। तो इसी को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को प्रतदार बनाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन है कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाबू यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, बाबू पीडीएफ मिल जाएगा, पैड ग्रुप आप लोग, बाबू एग्जाम बहुत कम बचा है, आज ऑफर चल रहा है, सभी बच्चे ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 249 का जो ऑफर है, आप सभी बच्चे ले लीजिए यहाँ पे पैड ग्रुप, इससे सस्ता अब नहीं होगा, आज भर के लिए ऑफर है, जल्दी जल्दी ले लीजिए। यहाँ देखिए ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है, ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके अंतर समझेंगे कि आमीटर क्या होता है। तो आमीटर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए तो बढ़ाना तो आपके हाथ में, बस आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए कि आमीटर क्या होता है, आपका वोल्ट मीटर क्या होता है। तो आमीटर क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि आमीटर और वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। पहले ये आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कॉपी में, नोटबुक में, एग्जाम में लिखने से पहले ये हेडिंग आपका होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन है कि आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो देखिए आमीटर क्या है, आमीटर धारा को मापता है। आमीटर क्या मापता है, तो आमीटर करंट को मापता है, कभी भी याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर किसे मापता है, तो वो विभवांतर मापता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव को ही मापता है, कौन, तो वोल्ट मीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले कि आमीटर धारा को मापता है और वोल्ट मीटर क्या मापता है प्यारे बच्चों, तो ये विभवांतर को मापता है। पहला यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया। अगर आपसे पूछ रहा है कि आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखे, पहला लिखिएगा कि ये धारा को मापता है आमीटर, दूसरा ये दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है, यानी यह विभवांतर मापता है, वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे दूसरा लिखेगा कि एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बाबू एमीटर को परिपथ में किस क्रम में, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि एमीटर से धारा मापा जाता है। वहीं वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका रीजन होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापेगा समानांतर क्रम में,
इसलिए बाबू इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये दो डिफरेंस हो गया। तीसरा लिखना है आपको कि आमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। बाबू बढ़ाना तो आपके हाथ में, आमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। ये हो गया तीन। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं प्यार बच्चों, इसमें और बढ़ाना है, चौथा पॉइंट देके आपको बढ़ाना है, पांच नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं बाबू कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है जबकि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक बढ़ गया। अब यहां आप देखें गैल्वेनोमीटर में आमीटर में बदलने के लिए आप यहां पे बढ़ा सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एमीटर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे? नहीं, आपको लिखना है कि अगर गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा के हम लोग गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदल सकते हैं। पांचवा ये डिफरेंस हो गया। पांचवा इसमें आपको लिखना है कि गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्टमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे इसके लिए, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा के हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। यानी इसका ये डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है, तो आप लोग इसको चाहे तो पांच नंबर में पूछे तो पांच नंबर लाइक बना के लिख सकते। बस इसका ज्ञान होना चाहिए कि एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है। बस याद रखने की एमीटर से धारा मापा जाता है, वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। यानी वोल्टमीटर किस में जोड़ा जाएगा, तो यह समानांतर में जोड़ा जाएगा। और इसका प्रतिरोध आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चे अनंत। तो ये आपको 100% याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा, एक बार बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। तीन क्वेश्चन तो हम लोग समाप्त कर दिए, चार क्वेश्चन तो समाप्त कर दिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो अभी तो हम आपको समझाएं बाबू, ये क्वेश्चन दो से तीन बार पूछा गया है कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि एमीटर को बाबू पूछा गया कि आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो आमीटर को क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि ये करंट को मापता है तो इसको आमीटर में जोड़ा जाता है। अब देखिए वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है, तो इसको किस में जोड़ा जाएगा, तो इसको बाबू समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाएगा वोल्टमीटर को, क्योंकि वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है मेरे प्यारे, तो विभवांतर मापा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको इतना समझा के बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको अभी के अभी याद हो जाए। बस इसका पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार नजर डालिएगा, याद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जितना आप लिखने में टाइम लगा रहे हैं मोबाइल में फटाक से इसको देख के याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो हम आपको तो रीजन बता दिए, बस लिखने का तरीका देख लीजिए कि एमीटर धारा मापने वाला यंत्र है इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा उससे प्रवाहित हो सके। जितना भी धारा होगा ना प्यारे बच्चों, किससे प्रवाहित होगा, तो एमीटर से होके प्रवाहित होगा, इसलिए तो एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो बाबू एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि जितना भी धारा का प्रवाह होगा एमीटर से होके जाएगा, तभी तो एमीटर मेजर करेगा धारा के प्रवाह को कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। जबकि वोल्टमीटर को परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए किया जाता है वोल्टमीटर का प्रयोग, यानी वोल्टमीटर का प्रयोग किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टमीटर को किस में जोड़ेंगे बाबू, तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर को हम लोग अगर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना है तो इसको समानांतर क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसको प्यार बच्चों किस में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये इसका आंसर है, आप लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल हम आपको समझा दिए, 100% आपको याद हो गया होगा अभी के अभी। अब देखिए क्वेश्चन है कि आप देखिए प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान एवं वर्गमान, हम देखिए वर्ग मध्य मूल मान को परिभाषित करें। बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है, भले ही मेंशन ना किए हो हबड़ाई में, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए छह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान एवं वर्ग मध्य मूल मान को परिभाषित करें। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान या औसत मान भी इसे कहते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद से सब समझेंगे। चलिए बाप रे बाप, बहुत टाइम लगा दिए समझाने में, लेकिन आप लोग फटाफट से समझते चलिएगा बाबू, टाइम से कुछ नहीं होता है, आप लोग फटाफट समझिए। प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान क्या होता है, मध्य मान को हम लोग क्या कहते हैं, औसत मान भी कहते हैं। मध्य मान को बाबू औसत मान भी कहा जाता है। तो देखिए विद्युत धारा के नियत मान जो किसी परिपथ में किसी निश्चित अंतराल में
आवेश की उतनी ही मात्रा प्रदान करता है जितने की उस परिपथ में प्रतिवर्ती धारा के विद्युत धारा के अर्धचालक यानी अर्धचक्र द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे ही हम लोग प्रतिवर्ती धारा का औसत मान कहते हैं। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, 100% आएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है बाबू यहाँ पे कि प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान यानी कहने का मतलब क्या, औसत मान क्या होता है यानी मध्य मान क्या होता है, तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान क्या होता है यानी औसत मान क्या होता है। तो देखिए विद्युत धारा का नियत मान जो किसी परिपथ में किसी निश्चित समय अंतराल में आवेश की उतनी ही मात्रा प्रदान करता है, निश्चित समय अंतराल में आवेश की उतनी ही मात्रा प्रदान करता है कि जितनी परिपथ में प्रतिवर्ती विभव धारा के अर्धचालक यानी अर्धचक्र द्वारा जितना ये क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रदान करता है। यानी समझिएगा कि आप देखिए निश्चित समय अंतराल के पास आवेश के उतना ही मात्रा क्या करेगा, एक निश्चित समय है तो उस निश्चित समय में आवेश का ये उतना ही मात्रा प्रदान करेगा जितने समय में प्यारे बच्चों विद्युत धारा के अर्धचक्र द्वारा प्रदान किया जाता है, जितने समय में विद्युत धारा के अर्धचक्र द्वारा प्रदान किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान या औसत मान कहते हैं। बाबू ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है याद कर लीजिएगा। तो प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान या औसत मान अगर आपसे पूछ दे, और यहाँ पे पूछा गया है 2 क्वेश्चन है, एवं वर्ग मध्य मूल मान को भी परिभाषित करें, तो पहले तो जान लीजिए कि औसत मान तो निश्चित समय अंतराल में जो आवेश उत्पन्न होता है, निश्चित समय अंतराल में बाबू जो आवेश की मात्रा उत्पन्न करता है, याद रखना है कि किसी परिपथ में निश्चित समय, एक उस समय निश्चित है कि इतना में क्या करेगा वो आवेश की मात्रा वो उत्पन्न करेगा जितना कि प्यारे बच्चों क्या विद्युत धारा में अर्धचक्र द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो औसत मान बोलते हैं। किसका, तो प्रतिवर्ती धारा का औसत मान, तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन उसी में कहा है कि यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है, उसी का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान क्या होता है, तो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान क्या होता है, तो याद रखना है कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान उस स्थित धारा के बराबर होता है। बाबू क्या है, धारा स्थित है, उस स्थित धारा के बराबर होता है जो कि चालक में किसी समय अंतराल में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितने कि उसके चालक में आवर्त काल के दौरान उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया मध्य वर्ग मूलमान, तो उसमें क्या होता था प्यारे बच्चों, औसत मान में क्या, किसी निश्चित समय अंतराल में उतना ही वो आवेश की मात्रा उत्पन्न करता था जितना कि एक पूरे चक्र में अर्धचक्र में प्रतिवर्ती धारा करता है, वो अर्धचक्र में प्रतिवर्ती धारा करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों औसत मान कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ग मध्य मूल मान किसे कहा जाता है, तो देखिए एक निश्चित समय अंतराल यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ देख लीजिए वर्ग मध्य मूलमान क्या होता है कि उस धारा के बराबर होते हैं, यानी प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान उस स्थित धारा के बराबर होता है जो कि, यहाँ से समझिए, जो कि चालक में किसी निश्चित समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा होती है जितने कि उस चालक में आवर्त काल के दौरान होता है। बाबू यहाँ तक तो सेम है, समय अंतराल के बाद उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितना उस चालक में आवर्त काल के दौरान उत्पन्न होती है। इसमें क्या है, आवर्त काल के दौरान जितनी उत्पन्न ऊष्मा होगी, और औसत मान में आपको याद रखना है कि अर्धकाल के दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, अर्धकाल के दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, औसत मान कहेंगे। और यहाँ आप देखिए आवर्त काल के दौरान जो यहाँ आप देखिए उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो वर्ग मध्य मूल मान कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, वर्ग मध्य मूल मान कहेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन याद हो जाएगा, क्वेश्चन बढ़िया है, इसे IRMS द्वारा क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रदर्शित किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको साथ में याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू, यहाँ देखिए कि दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर, बाबू 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, कि आप देखिए दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर बतावें, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, तो डायरेक्ट करंट और प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो आपने जाना कि आप देखिए आपने क्या जाना अभी पढ़ाया कि अल्टरनेटिंग करंट और डिस्ट करंट क्या होता है, तो बाबू यहाँ देखिए जिसका परिमाण और दिशा क्या हो नियत रहे उसे क्या कहेंगे, दिष्ट धारा, और जिसका यहाँ देखिए परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहे उसे क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो पहला डिफरेंस ये है
डिस्ट धारा में क्या होगा यानी डीसी करंट में क्या होगा बाबू, कि जिसका परिणाम और दिशा नियत रहे उसे डिस्ट धारा और जिसका परिणाम और दिशा बदलता रहे उसे क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती धारा कहेंगे। पहला ये क्वेश्चन सबको याद हो जाना चाहिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। यहाँ देखिए यह कम खतरनाक होता है कौन, तो यहाँ देखिए जो डायरेक्ट करंट होता है ना, जो बैटरी वोटरी से हमको मिलता है डायरेक्ट करंट, ये कम खतरनाक होता है, लेकिन ये जो पोल ओल ट्रांसफार्मर से आता है ना ये बहुत खतरनाक होता है, अल्टरनेटिंग करंट ये बहुत खतरनाक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना। ये देखिए जो दिष्ट धारा होगा ये महंगा होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने में दिष्ट धारा में काफी खर्चा लग सकता है, दिष्ट धारा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में बहुत ज्यादा पैर बच्चों क्या खर्चा लगता है, यानी आप देखिए खर्चा भी लगेगा। और यहाँ देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ दिए वायर और कुछ दूर पे ले जाके एक बल्ब जलाइएगा ना, तो यहाँ पे विद्युत धारा का भी क्या होगा, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, यानी क्या विद्युत का बहुत अधिक खर्चा होगा। तो यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं कि ये एक तो ये कॉस्टली हो सकता है, यहाँ देख लीजिए ये कॉस्टली का मतलब क्या, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो सकता है महंगा हो सकता है, और यहाँ पे इसमें एक और लिख दीजिएगा कि ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में विद्युत धारा का भी खर्चा बहुत ज्यादा उठता है, यानी बहुत ज्यादा इसमें विद्युत का खर्चा लगता है, यानी क्या होता है पैर बच्चों बहुत ज्यादा खर्च होता है। लेकिन वहीं यहाँ पे बात करें अल्टरनेटिंग करंट का, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में पैर बच्चों बहुत ही कम विद्युत का खर्चा होता है, यानी यहाँ पे आपको पता है कहाँ कहाँ से आपके घर लाइट आया हुआ है, लेकिन बैटरी से वैसा लाइट संभव है बाबू, नहीं संभव है, तो यही बात है। तो आप लोग इसका डिफरेंस लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप सभी स्टूडेंट पैड ग्रुप आज 249 का लगा है बाबू, फटाफट से सभी स्टूडेंट पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बाबू, फटाफट से अभी से लेके एग्जाम तक आपको पीडीएफ में हेल्प मिलता रहेगा, गारंटी है। तो जल्दी जल्दी आप लोग पैड ग्रुप ले लीजिए, यहां देखिए नंबर 9135 74 20 24, आप इस पे प्यार बच्चों क्या कीजिए, कॉल करके फटाफट से ले लीजिए सुबह सुबह, तो यहाँ पे ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन है बाबू एग्जाम में पूछे जाने वाले, कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रतिवर्ती धारा यानी क्या अल्टरनेटिंग करंट के लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में किया जाता है तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में किया जाता है। ये बाबू यहाँ इसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर देखिए ट्रांसफार्मर ये क्वेश्चन आएगा जरूर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो यहाँ पे लिखना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग अल्टरनेटिंग करंट में होता है, कभी इसका प्रयोग दिष्ट करंट में नहीं होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में करते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट में क्या लो वोल्टेज के हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी आप देखिए उच्च धारा को निम्न धारा में और निम्न धारा को उच्च धारा में परिवर्तित करने में किया जाता है, जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर करते हैं कहते हैं। तो ये आप लोग सिंपली से लिख दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में प्रतिवर्ती धारा में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यार बच्चों ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है ये तो हम लोग जान गए कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ये कन्वर्ट करता है, और किस में, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि प्रतिवर्ती धारा में यानी अल्टरनेटिंग करंट में। अब यहाँ देखिए इसकी दक्षता क्या है, तो बाबू इसकी दक्षता क्या होता है, इसका दक्षता क्या होता है, तो देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, तो किसी ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। अब प्यारे बच्चों दक्षता इससे आसान आपको डिफिनेशन ना पूरे YouTube पे ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो मेरे प्यारे लाल आपको लिखना है कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका प्रयोग हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करते हैं, उसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। लेकिन इसकी दक्षता क्या होती है, तो इसकी दक्षता लिखना है कि किसी ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो बाबू ये देखिए कितना बढ़िया डेफिनेशन है, कि यहाँ देख लीजिए किसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इससे आसान दक्षता का डेफिनेशन आपको नहीं
मिल सकता है कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर यानी PO बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है PI, और यही क्या होता है प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। बस इतना ही लिखना है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर जिसको हम लोग P0 से सूचित करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PI हो जाएगा, यहाँ पे इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो ट्रांसफार्मर का दक्षता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 100% यहीं के यहीं आपको याद हो गया होगा। यहाँ देखिए आपको जितना भी क्वेश्चन करा रहे ना 100% है, यानी कि इसमें से आपको 80% जो क्वेश्चन होगा ना सब्जेक्टिव के क्लासरूम में ही याद करवा देंगे, क्लासरूम में हमारा ये मकसद है। लेकिन आप प्यारे बच्चों इसको भूल जाइएगा, अभी आपको सब क्वेश्चन याद होगा, जितना बताए उतना याद हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद भूल जाइएगा, तो फिर क्या कीजिएगा वीडियो देखिएगा। लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं कि आप पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये सब PDF उसमें मिलता है, लेके एक बार देख लीजिए, फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ आप देखिए ये सब आपको कर लेना है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन, एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में 2020 में, वो भी पूछा गया अभी, देखिए 2023 में एग्जाम हुआ, हालांकि 2020 में देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है ये बताइए। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रतिवर्ती धारा में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ आप देख लीजिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो यहाँ देखिए यह ट्रांसफार्मर का उपयोग मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रतिवर्ती धारा में क्या किया जाता है बाबू, तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। जैसे स्टेबलाइजर हो गया बाबू, स्टेबलाइजर क्या करता है लो वोल्टेज को, जैसे यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि इसका उपयोग, जैसे यहाँ पे देखिए स्टेबलाइजर हो गया आपका, स्टेबलाइजर क्या करता है, आप लोग अपने घर में स्टेबलाइजर रखते हैं, लो वोल्टेज को क्या करता है हाई वोल्टेज में कर दिया जाता, टक टक ऐट के मान लीजिए आ रहा है वोल्टेज डी में आ रहा है आपका 110 वोल्ट, यहाँ देखिए तो वो क्या करेगा प्यारे बच्चों, वो क्या करेगा खींच खींच के 240, 250, 260 क्या करेगा ट्रांसफार्मर, यानी लो वोल्टेज को वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे क्या करता है, तो ये आपको बाबू हमेशा ध्यान रखना है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ये सब एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षति को समझाएं, यानी 2021 का क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षति को समझाएं, ट्रांसफार्मर का ताम्र क्षति आखिर क्या होता है, और कल होने वाला है डी एंड एफ ब्लॉक, वो भी आपका वन शॉर्ट क्लास में होगा, उसका ऑब्जेक्टिव भी होगा, लेकिन आज इसका ऑब्जेक्टिव हम छोड़ देंगे, टाइम भी ज़्यादा हो गया आपको समझाते समझाते। बाकी यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि टाइम से मत लीजिए, आप लोग इसको क्लासरूम में ही याद कर लीजिए सही रहेगा। ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति को समझाएं, तो ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति क्या होता है, तो ताम्र क्षति क्या होता है, तो एक ट्रांसफार्मर के तांबे की कुंडलियों में कुछ यहाँ पे क्या होता है प्रतिरोध के कारण क्या होता है, उसका उष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा की क्षति होने लगती है, यानी कहने का मतलब क्या, उसमें प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, उसके कारण वो गर्म होगा, तो गर्म होता है तो क्या होता है उष्मा ऊर्जा में बदलने लगता है, तो उसमें क्या होता है उष्मा की वो क्षति होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी ऊर्जा की क्षति को हम लोग ताम्र क्षति बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हम आपको इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बता दिए इसका। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ये जो 10 क्वेश्चन बताए हैं ना, ये 10 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और यहाँ पे PDF डाउनलोड करने चलिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, पैड ग्रुप आज से ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर है बस आज के लिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि PDF और इसका ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको समझाते समझाते ही टाइम निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मॉर्निंग का टाइम है, अगर आप समझ के याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपका ये कमाल कर दिया आप लोग। चलिए आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि PDF कैसे डाउनलोड करें फ्री वाला, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि PDF कैसे डाउनलोड करें, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है आस्क बोर्ड, जैसे ही आप लोग इस पे आस्क बोर्ड लिखिएगा ऐसा आएगा, जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा ना आपके सामने ये खुल जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए बहुत सारा PDF है हिंदी सब्जेक्टिव, अभी यहाँ पे आपको दिख जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नया वाला, तो वो आप लोग आपको डाउनलोड कर लेना है, अगर नहीं दिखेगा तो ये PDF डाउनलोड दिख रहा है ना,
पीडीएफ डाउनलोड करके कम से कम बहुत सारा यहाँ से आप लोग फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से और आके क्या कीजिए प्यार बच्चों, जल्दी से जल्दी यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, नहीं दिए हैं आके फटाफट दीजिए ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट से आपका क्या होगा, रिविजन होगा आपका प्यार बच्चों। एग्जाम में बैठने की आप देखिए, एग्जाम में देने की आपकी क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। तो आइए बाबू रुकिए मत, फटाफट से ये सब काम कर लीजिए। तो चलिए प्यार बच्चों मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, 11 बजे मिलते हैं। और आज बहुत ही बम्पर धमाका टेस्ट होने वाला है, हो सकता है कि आज क्लास शाम वाला 6 बजे से ही चले, याद रखिएगा, क्योंकि कहीं 200 क्वेश्चन हम ना ला दें। शाम में 7 बजे 50-50 हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन ना ला दें और आपका टेस्ट दमदार ना ले लें। तो यहाँ पे आज कुछ भी हो सकता है, एकदम रेडी रहिएगा शाम के समय में। तो चलिए मिलते हैं ऐसी 11 बजे वाली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।